जब आप वहां से आए तो म्यूजिक बजने लगा और आपने शुरू कर दिया। हमारा तो स्टाइल ही ऐसा है सर। तो इन्होंने क्या किया, इन पे जुर्म क्या है ये बताइए। जुर्म सर, इनकी इनकी टीम के हर सदस्य पे मेरा इल्जाम है। ये फाइल इल्जाम कौन सा होता है? नहीं पा, आप फाइल डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ऐसा है आप शादीशुदा हैं? यस। कितने बंदों से शादी की आपने? अच्छा, पहले मिले हो गए इनसे? 500 चक्कर काट लिए इनके दफ्तर के, मने जूते पे घिस गए मेरे। तो आपको अभी तक ये नहीं पता है? आपको अभी तक ये नहीं पता सोमवीर और कपिल कौन है? सर आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ये कहते हो कि सोमवीर जी को सुनाइए, आपको ये कहते हो कपिल जी क्या एक्टिंग की? ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ। कैसे आपको ऐसा कोई वाक्य? ऐसा एक वाक्य है कि एक बार कपिल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में गया हुआ था। ओके। और गजेंद्र फोगाट जी बहुत बड़े आर्टिस्ट अपने हरियाणा के, बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। तो उन्होंने कपिल को पकड़ लिया कि सोमवीर राजा यार एक राग नहीं सुना दे, तेरी वाह राग नहीं सुना दे, मत जाओ पिया। इसने फिर उनको क्लियर किया कि मैं सोमवीर नहीं हूँ, मैं कपिल हूँ। उनको हालांकि विश्वास नहीं हुआ कि नहीं यार झूठ के बोल रहा है। तब मतलब क्लियर किया कि नहीं मैं सोमवीर का छोटा भाई हूँ, कपिल नाम है मेरा, और मैं ऐसे ऐसे मॉडलिंग करता हूँ। तब उनको लगा कि हाँ ऐसा है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? सोमवीर का ही केस बता रहा हूँ। एक बार ट्रेन में जा रहा था मैं, यहाँ आने से पहले इस लाइन में आने से पहले थिएटर करता था जी। तो एक नाटक कभी किसी ने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो रोहतक से भिवानी का सफर उस सामने वाले बंदे ने सोमवीर को कपिल समझ के कर दिया कि भाई आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वो थिएटर आपका नाटक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे नेशनल लेवल पे गया था। तो ये केस ये सोमवीर के साथ हुआ था कि भाई उसने कपिल समझ के सोमवीर के साथ पूरा सफर तय कर दिया रोहतक से भिवानी का। कभी आप शादीशुदा दोनों? अच्छा नहीं, तो फिर कभी ऐसा धोखा घर पे भी हो जाता कि पूरा सफर तय कर लिया हो? शायद ये बात डिस्क्लोज करने की है ही नहीं कोई मार्केट एक, में और कहीं भी ऐसा कुछ। सर आप आच्छा? हमारी फैन फॉलोइंग खराब करना चाहते हो? काम की बात कर ले, इनकी बारात में जाएगा, काम की बात करूँ वकील साहब, काम की बात करूँ मैं? आपका इन बातों से लेना देना नहीं है, आपका टेस्ट ही नहीं है। अच्छा आपके घर वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप दोनों हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर हैं तो लॉकडाउन भी है, सरकारी नौकरी के लिए ऐसा कुछ मतलब नहीं हुआ कि आप दोनों के दोनों इस इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं, तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, पूरी फैमिली सेटिस्फाइड है? बिल्कुल डैम सेटिस्फाइड है। ऐसा बिल्कुल वाकया ऐसा वाकया है कि जब फादर साहब एक्सपायर हुए थे जी, उसके बाद हर दूसरा बंदा हर तीसरा बंदा यही बोलता था कि कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी होती है जी, जी, जी। सारी उम्र काटने के लिए, और वो उनको ये लगता है कि सरकारी नौकरी लग गया तो बच्चा कामयाब हो गया। असल में उनकी नज़रों में कामयाबी की डेफिनेशन ये है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी कोई नौकरी नहीं लगी और हम इसी लाइन में काम कर पा रहे हैं, अपने फादर साहब के नाम को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री में आपका बहुत, आपके फादर साहब का भी और आपका भी जज साहिब बहुत योगदान है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं दोनों, लेकिन सरकारी नौकरी करने की बजाय फोक आर्टिस्ट हैं और गाल दे पिया रहे हैं और ऐसा कुछ। आप एक बार सुनाइए, एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि जज साहिब को पता चले कि वो चीज़, और आप भी सुनिए जी। ओहो मैं इनकी इतनी अच्छी सोच और इनकी गायिका आपके कान में ठीक करना, सर ठीक करवाइए। गाल दे पियाने जियाने, क्या बात है, काल ना करे। वाह वाह वाह। गाल दे पियाने जियाने, काल ना करे। घाल दे पियाने जियाने, काल ना करे। हे मारू जोड़ रही हाथ, दुख पा गया गात है। क्या बात है। याणी गोरी पिया बिना जीवती मरे। काल दे पियान जियाने, काल ना करे। तो आपकी लाइफ का कोई, आप कपिल जी, कोई ऐसा किस्सा आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में या सत्यम म्यूजिक को
आपने जो नाम दिया है उसके लिए आप कुछ ऐसा कुछ वाक्या जो कॉमेडी का या कोई भी ऐसा बना हो आपके साथ? कॉमेडी का वाक्या तो कोई, सत्य म्यूजिक का नाम असल में हमने अपने फादर साहब के नाम पे रखा है। जी जी, सत्य कथूरवाल उनका नाम था, तो उनके नाम पे हमने कंपनी का नाम सत्य म्यूजिक रखा है। और सत्य म्यूजिक को लेके हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, तो बस आप लोगों की दुआएं, सारे हरियाणा की दुआएं आपके साथ। आप फोक आर्टिस्ट हैं, पॉप आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, तो आप हरियाणवी सिंगिंग के बारे में या हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में क्या शब्द कहना चाहेंगे? कैसा काम हो रहा, कैसा होना चाहिए, या फिर क्या सोच क्या आप? पहले के टाइम में जो काम होता था और अब के काम में बहुत ज़्यादा फर्क है, हर चीज़ में, म्यूजिक में, गायकी में। अब अच्छे सिंगर्स भी आगे आने वाले आने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, वीडियोस का लेवल बहुत अप हो चुका है। मतलब हम अच्छे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, या महाराष्ट्र की बात करें, तो उनके लेवल में हम आने लगे हैं। किसी भी आप बड़े से बड़े सिंगर को देखें, पंजाबी सिंगर को, उनके गाने 100-120 मिलियन तक जाते हैं। जी। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे गाने 500 मिलियन, 600 मिलियन, अब एक गाना 800 मिलियन क्रॉस कर चुका है, 52 गज का दामन। ये हरियाणा के लिए सबसे बड़ी बात है, और आने वाले टाइम 1-1.5 महीने में हरियाणा का सबसे बड़ा गाना होने वाला है ये, 1 बिलियन का। बहुत और हमारा सौभाग्य ये भी है कि पूरा बॉलीवुड हरियाणा की तरफ भाग रहा है। जस साहिब आप सुन लिया, एक और बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। जो दादा लक्ष्मी मूवी आने वाली है, यशपाल शर्मा जी ने डायरेक्ट किया है, और उसमें वही एक्टर हैं, मेन रोल जो उन्होंने किया है, उसमें भी मैंने 5 गाने गाए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां बजा रहे हो आपका। इनका जस साहिब इनका एक बड़ा भाई है जो इनको ढूंढता फिर रहा है, रास्ते में मिला था मेरे को कि वो हर जगह, मतलब ये पंगे करता है। अब इन इतने बड़े सेलिब्रिटीज को इन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया। तो वैसे तो मिलते, अरे छोड़, देखा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सुनिए, ये कौन है ये? अरे देखो जी, बहन जी, राम राम भाई, काला कोट वाला पर ना खड़ा हो, डर लग गया फिर। ये जो, यो मेरा छोटा भाई है, डांगर इसने बेच दिए, तूड़े आला इसने बेच दिया मुझे। द्रोगन जी कुछ नहीं कर रहा मैं, ये भाई कौन है, इनको जानते हो? सुनिए ये कौन है? इन पे आपके भाई ने केस कर रखा है। क्या का केस कर दिया? इसकी क्यों मानो हो, बेवड़ा सही हो, सारे तो गेरल्स हैं इसके, बनाएगा कलाकार, मार उस कान पर लटकूंगा। ये कोर्ट है आपका, नोरा नहीं है, जड़े को लाठी ठाके की में भी कर दो, समझ गए? मगर फिर जो केड़ छोरे देखना आया है, क्या का केस? यहां इन्होंने सत्य म्यूजिक पे केस किया है। क्या कसम, तो मैं संगीतकार बनूंगा, इन दोरा जाऊंगा मैं। सब सुनिए, मैं सत्य म्यूजिक की पूरी टीम को बुलाना चाहता हूं यहां पे, इनको पता चल जाएगा, इनके भाई को भी। ये छोरे सत्य म्यूजिक की पूरी टीम हाजिर हो, आप आ रही सर। आपने रागनी सुनते हो? ले रागनी तो भाई सुनाया करता, सांगी किसकी किसकी सुनी आपने? भाई मन ने रागनी सुनी है, सत्य कथूरवाल की। सत्य कथूरवाल की? हाँ, गायल दे पिया ने। इन्हें पिछानो हो? मैं नहीं जानता कि इन बड़का ने। ये सत्य कथूरवाल जी के लड़के हैं, सोमवीर कथूरवाल। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे लाडू, अरे शाबाश भाई। ले भाई कतीनू किनू, अरे यो भाई कौन से? ये इसे मत लिखड़े हैं, यो भी कलाकार है। हाँ, ये ऐसा कलाकार है आपका भाईरत कौन सी क्या बाजड़ी पजेब, गुलशन जी का लिखा हुआ, सोमवीर जी का गाया हुआ, मॉडल ये हैं, ठीक अच्छा? है आरिफ नु दिखाऊंगे, कुकर डांस सिखाऊं है ना, नहीं नाच भी लिए है, उड़ नाच ले है जो तेरे भाई ने तो नचा रखा, नहीं सारी टीम ने नचा, पूरा हरियाणा नचा है। प्रणव तू तो दिखाओ तो भाई सारा हल है भाई, ये बाल जो तने बनाए है ना अपने, ले बड़दा घिसू इसे बाल, तीन बाल कलाकार लागू तेरी कलाकारी मांग भी भर दे हाड़े का कान पर मारूंगा लटकू मार मैं जी आऊंगा तेरे तेरे भाई ने सारे कट गरम ला दिए इसने। हाँ
और के कहा है कि मैंने इस टीम ने तो मैं बर्बाद कर दिया, इस कंपनी ने बर्बाद कर दिया, जो उन्होंने कहा मैं सिंगर भी सू, मैं इनकी टीम में जाना चाहूँ। तू घर जाकर पढ़ता ना प्या लेना मेरी। अरे ये तुम्हारा घर नहीं है जीजी। ना वा बेबे मैडम सॉरी बेबे दोनों पर ठीक कही है, कोई टेंशन नहीं। मनु कौ था वो तो सर निरा बावली बूझ। हां हां इसकी मत ना मानो। ये देख लीजिए सुथरे सुथरे बालक की शाह सुथरा काम करने लाए रे और सत्य का थुर वाले के बालक। हां ओ हो ले भाई नुकति स्वर अग्नि तो गा कर नहीं कौन सी गा करता वा कौन सी राम गांदा था सत्य का थुर वाले की गोरी मारे काम की। हां नु बोलिया गलिया रे ते लिकड़ी ले बीता के पट गे और चो तेरा पे बैठे छोरे दिल न डट गे और मरकड़ आली और मरकड़ आली जुत्ती खास कराले की काली सारे गिर जाए पूछ देख कसारी कैसी गुरु पेंसिल का पूछ ला रखी हूँ। आंख इसके ठिकाने नहीं, मूछ इसके ठिकाने नहीं, दे इसके ठिकाने नहीं, क्या इसने कराया नहीं। और आराम पर बनाएगा कलाकार फनकार भाई। मैं गलती मानूस है देखे हम तो जमींदार मानस है। ऐ पहला भाई तेरे बाबू के सांग देखे बहुत सुथरा टाइम पास हुआ। ये बालक मोबाइल आयल में वो क्या कह रहा हूँ मोबाइल आयल कैस्ट्रोल मोबाइल वो कैस्ट्रोल हाँ जो भी है। हाँ उसमें देख लिया भाई है। और भाई बहुत सुथरा काम कर रहे हो। और भाई ये मूछ इसलिए होंगी ना तेरी है ले भाई मूछ के तोड़ पड़ रखा है बाजनी असली है और सारी बाजनी पजेब गाना भी तेरी मानत यो के जाम यार। मेरी मानत है यो है बहुत गलत जाम दिया गलत वो बकरी साहब बात बताऊं मैं। हाँ तेरी माँ ने भी तो ठीक नहीं जाम रखा। तेरी माँ की तो पूरी गलती है यार। भाई साहब बेटे हम कोई केस नहीं करते इन बालक पे। ये बालक बहुत सुथरा काम कर रहे हैं। मालिक ने जिंदगी लाओ मालिक ने और चमकाओ और भाई खूब ले दो फदो फूलो भगवान थारी ला बेचोरी खुली करे दुकान। जो भी काम कर साहिबा ये केस इन्होंने इन पे किया है। इनको देख के और इनकी बातें सुन के यही लगता है कि केस साफ है। हाँ। हाँ। आपको देख के तो यही लगता है कि आपके भाई ने जो भी इनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। बट आप हमारे इस अदालत में आए हमारा सौभाग्य है। और सर आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि कोई एक प्यारा सा गीत सुना के हमारी अदालत को रंगीन बना दीजिए। रे 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 सपने में भी दिखे जासे भोली भोली शान तेरी हो तेरा देख डिटोरा पागल हो गया नहीं बाजती तान मेरी रगोरी नहीं बाजती तान मेरी ओ तेरा न्यू गिर काना ठीक ना हो तेरा न्यू गिर काना ठीक ना हो तेरा न्यू गिर काना ठीक ना मथा नाक चढ़ाना ठीक ना रे 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 करिए तू बात दूर दूर ते ओ करी जाना बात दूर दूर ते ओ मेरा ढोरे आना ठीक ना मेरे लाड लडाना ठीक ना रे मेरा ढोरे आना ठीक ना हम खाला हड लडाना ठीक ना रे 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 करिए तू बात दूर दूर ते ओ करिए तू बात अदालत जारी है 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 अदालत जारी है।
अदालत जारी है।